कि लड़कों से ज्यादा अच्छा लड़कियां पढ़ें। बच्ची जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन बच्ची को बोझ ना समझो। यहां बैठी मासूम लड़कियों से मैं कहना चाहता हूं, इतने बरस मैं आपको पढ़ाया, आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो अकबर ओवैसी आपको पढ़ाएगा। अगर माँ बाप रोक रहे हैं तो मुझे बोलो, मैं आपके माँ बाप से मिलूंगा, मैं उनको समझाऊंगा, बोलूंगा कि नहीं ये बच्ची को पढ़ने दो, हम पढ़ाएंगे। इम्तिहानात से डरना नहीं, इम्तिहानात से डरना नहीं। 10th का इम्तिहान है, फिक्र में होंगे कि इम्तिहान कैसा होगा, क्या होगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से जाना इम्तिहान के मरकज में, अल्लाह का नाम लेना, दुरूद भेजना, दुआ करना और सवालात को पढ़ना। घर से रवाना होने से पहले नमाज पढ़कर जाइए, अपने वालिदैन की दुआ लेकर जाइए, अपने असातिज़ा की दुआ लेकर जाइए। वालिदैन के बाद में अगर किसी का मुखाम है तो याद रखो वह असातिज़ा का मुखाम है। अपने टीचर्स की इज्जत करो, एहतराम करो, रेस्पेक्ट करो, और फिर देखो अगर आप 1000 किताबें पढ़ लो तुमको वो इल्म हासिल नहीं होगा जो इल्म तुमको मां बाप और अपने असातिज़ा के खदमों में बैठने से जो इल्म मिलेगा, वो इल्म तुमको किताबों से भी नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखो। लोग समझते हैं कि किताबें पढ़ ली है तो हमको इल्म मिल गया, नहीं। किताबों से जरूर इल्म मिलता है, लेकिन किताबों से ज्यादा अगर इल्म मिलेगा तो मां बाप के खदमों पर बैठने से मिलेगा, असातिज़ा के खदमों के पास बैठने से इल्म मिलेगा। इस चीज को याद रखो, जिंदगी में कभी भी अपने टीचर्स का एहतराम करना ना भूलो, अपने मां बाप का एहतराम करना ना भूलो, बड़ों का एहतराम करना ना भूलो, छोटों के साथ शफकत के साथ पेश आओ। गरीब और मुस्तहकीन और जरूरतमंद की जो भी हमसे हो सकती है वह मदद करो। मदद का मतलब सिर्फ पैसा देना, दौलत देना, जमीन देना, ये देना वो देना नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते तो हाथ उठाकर उनके लिए दुआ करो, ये भी बहुत बड़ी चीज है। इम्तिहान की फिक्र न करो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और ये सोच कर जाओ कि हाँ हम आसानी से ये क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह हमको जरूर 70% एंड अबव मार्क्स आएंगे। ये सोच के हमको जाना होगा। जितनी मेहनत हो सकती है करिए, अभी भी वक्त है, जितनी मेहनत हो सकती है करिए। थोड़े दिन की मेहनत है, थोड़े दिन की थोड़ी सी तकलीफ है, अगर ये मेहनत और ये तकलीफ उठा लेंगे तो फिर जिंदगी में हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक चीज याद रखना, इंसान को दौलत कमाने के कई जराए हैं। बाज लोग बोलते हैं कि अरे ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी देखो बेरोजगार है, या ऐसा है वैसा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दौलत कमाने के कई जराए हैं, लेकिन इज्जत कमाने का जरिया एक है, वो है इल्म के जरिए। दौलत तो कई चीजों से कमा सकते हैं, लेकिन इज्जत अगर हासिल करना चाहते हैं दुनिया में, और चाहते हैं कि ये दुनिया तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारे सामने झुके, तो याद रखो वो इल्म ही है जो इल्म जो दुनिया को तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर सकता, इज्जत करने पे मजबूर कर सकता। इल्म वो है, और इल्म दुनिया में दौलत कमाने के कई जराए हैं। बहुत दौलत कमा लेंगे, दौलत आपकी जाएगी या तो देने से या बांटने से खत्म हो जाएगी। जमीन है तो जमीन देते गए देते गए देते गए, अगर मेरे पास 100 एकड़ जमीन है तो अपने बच्चों को 100 दूंगा, मैं अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों में तकसीम होगा, मेरे बच्चों के अगर बच्चे आए तो उनमें 100 एकड़ तकसीम होगी, उनके बच्चों के बच्चे, बारह 2-3-4 नस्ल में वो 100 एकड़ भी खत्म हो जाएगी। हीरे मोती अशरफी पैसा सब खत्म हो जाएगा बांटने से, लेकिन एक दुनिया की दौलत है जो बांटने से खत्म ही नहीं होती, बांटने से और बढ़ती है, और वो दौलत क्या है? वो इल्म की दौलत है।
कितना भी बांटो कम नहीं होती, कितना भी दो कम नहीं होती, कितना भी तकसीम करो कम नहीं होती, और बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। तो वो दौलत ओएसी स्कूल के जरिए हम आपको दे रहे हैं, वो दौलत हम आपको दे रहे हैं, और आपको भी इस दौलत को बांटना है, इस चीज को समझना होगा आप लोग को। अब आप लोग छोटे बच्चे नहीं रहे, अब आप लोग ग्रोन अप हैं, आप लोग यू आर ऑल ग्रोन अप एडल्ट्स नाउ। टेंथ का मतलब ये है कि यू ग्रोन अप। क्या करते हैं मगरबी दुनिया में, आप लोग को शायद नहीं मालूम, बाहर क्या करते हैं मगरबी दुनिया में, यूरोप में, यूके में, 17-18 साल की का बच्चा या बच्ची होते मां बाप पूछते हैं, सो व्हेन आर यू लीविंग दिस हाउस, पूछ लेते हैं बच्चे बच्चों से मां बाप। आपको सुन के हैरत होगी कि 17-18 ईयर्स, 18 ईयर ओल्ड, वी हैव टेकन केयर ऑफ यू फॉर 18 ईयर्स, नाउ यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन फुट, प्लीज अपने पैरों पे खड़े रहिए और आप बताइए कि कब आप जा रहे हैं घर से, अपनी जिंदगी अपने आप तलाश करो। मगर हमारा माशरा क्या है, हमारा माशरा यह है कि हम अपने बच्चों को 18 बरस के होते ही घर से जाओ नहीं बोलते हैं, मगर बाज लोग हैं जो बच्ची 18 बरस की हो गई तो शादी करके विदा कर देना चाहते हैं। बच्ची जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन बच्ची को बोझ ना समझो। जिम्मेदारी है बोझ, लेकिन बोझ नहीं है लड़की। यहां बैठी मासूम लड़कियों से मैं कहना चाहता हूं, इतने बरस मैं आपको पढ़ाया, आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो अकबर ओवैसी आपको पढ़ाएगा, अगर मां बाप रोक रहे हैं तो मुझे बोलो, मैं आपके मां बाप से मिलूंगा, मैं उनको समझाऊंगा, बोलूंगा कि नहीं ये बच्ची को पढ़ने दो, हम पढ़ाएंगे इस बच्ची। शादी जिम्मेदारी नहीं। मैं सुनने वाले वालिदैन से भी कहूंगा, खुदा का इन बच्चियों को पढ़ने दी, और मैं ऑन रिकॉर्ड आकर कह रहा हूं, मेरे इतने स्कूल है, 15,000 बच्चे हैं, बड़ी माफी के साथ कह रहा हूं, माफी चाहते हुए कह रहा हूं कि लड़कों से ज्यादा अच्छा लड़कियां पढ़ती है। मैं देख रहा हूं, अभी आप नहीं देखे जो ये फंक्शन का आवाज करे, तो एक लड़की ने आवाज किया, ये लड़की भी कोई न्यू सिटी से नहीं है, ओल्ड सिटी की, आपकी ओल्ड सिटी की लड़की है, ये ओल्ड सिटी की बच्ची की। हम तो साहब कैसी जबरदस्त इंग्लिश बोले, कितना अच्छा बोले। देखिए आप खुद सोचो इस बात को, पीएचडी करना कोई आसान काम नहीं है, पीएचडी करी लड़की तो आप भी कर सकते हैं। यहां पे है ना, अभी ये देखो, अभी दो कुर्सियां खाली है, मतलब ये इनमें से किसी का इंतजार कर रही है कुर्सियां के, इनसे आगे आए आना है आप इस काम को आगे बढ़ाना, और कर सकते हैं। लड़कियों से कहूंगा, लड़कियां पढ़ो बराबर, बहुत से लड़के लड़कियों के एम्बिशन रहता है,